साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के आवास पर अचानक से शाम के वक्त मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग उद्धव की पार्टी की थी, मगर हैरानी की बात ये है कि मीटिंग से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा गया। सामने आया कि पहले तो दोपहर में मातोश्री में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई थी और उसके 4 घंटे बाद उद्धव की पार्टी की मीटिंग थी। अब वहां मौजूद मीडिया की माने तो जितने भी पार्टी नेता मीटिंग में पहुंचे सबके चेहरे लटके हुए थे। किसी ने भी आते या जाते मीडिया से किसी भी तरह की बात नहीं की। तो क्या उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले लिया है? मातोश्री के बाहर मौजूद मीडिया का क्या कहना है? क्यों दोनों ही मीटिंग से संजय राउत को दूर रखा गया? आपको भी दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में 2 मीटिंग लगातार हुई। पहली मीटिंग महाविकास अघाड़ी की थी, जिसमें सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू खंडित होना, बदलापुर यौन हिंसा और रामगिरी महाराज के विवादित बयान के बाद राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन समेत राज्य की कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में शरद पवार भी पहुंचे और नाना पटोले के साथ कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी शामिल हुए। ये बैठक दोपहर में 12 बजे से 2:30 बजे तक चली। बैठक के बाद अघाड़ी के मीडिया कम्युनिकेटर ने मीटिंग की ब्रीफिंग भी की और कहा कि अघाड़ी इन सभी मुद्दों को उठाएगी और जनता के बीच लेकर जाएगी, क्योंकि राज्य में गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। अब बैठक राजनीतिक मसलों को लेकर थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में संजय राउत नहीं थे, जबकि संजय राउत हर मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ होते हैं। मगर इस मीटिंग में संजय राउत का नहीं होना अपने आप में हैरानी भरा है। अब इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बैठक के 4 घंटे बाद तकरीबन 6:30 बजे एक और मीटिंग मातोश्री में आयोजित की गई और शॉर्ट नोटिस पर यूबीटी के सभी बड़े नेताओं को मातोश्री में आने को कहा गया। लगभग 2 दर्जन नेता अलग अलग कारों में आए और बहुत जल्दबाजी में अंदर चले गए और ये बैठक करीब 3 से 3.5 घंटे चली और इसके बाद बाहर निकले किसी भी नेता ने ना तो मीडिया से बात की। मीटिंग क्यों बुलाई गई इस बात को लेकर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और मीडिया को पूरी तरह इग्नोर करके वहां से चले गए। अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में भी संजय राउत नहीं थे, जबकि मीडिया सोर्सेज की माने तो संजय राउत मुंबई में ही हैं, अपने घर पर ही हैं। फिर भी संजय राउत दोनों ही मीटिंग से नदारद रहे। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उद्धव ठाकरे संजय राउत के बड़बोलेपन से परेशान हो चुके हैं। पिछली हर मीटिंग में संजय राउत के रवैये से उद्धव ठाकरे तंग आ चुके हैं। सीट शेयरिंग और सीएम फेस वाले मुद्दे पर तो संजय राउत ने पार्टी से परे हटकर कई ऐसे बयान दिए थे जिससे कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी की नाराजगी भी उद्धव को झेलनी पड़ी थी। कांग्रेस को मनाने के लिए तो उद्धव 3 दिन तक दिल्ली में डेरा जमाकर भी बैठे थे और हाल ही में भी जितनी भी मीटिंग सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हुई है उसमें भी गाड़ का काम संजय राउत ही कर रहे हैं। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उद्धव ने या तो इसीलिए मीटिंग बुलाई होगी कि संजय राउत को पार्टी के बड़े मसलों पर बोलने से रोका जाए, या फिर हो सकता है कि उद्धव संजय राउत के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। तभी तो उद्धव के किसी भी नेता ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और मुंबई में होते हुए संजय राउत को दोनों ही बड़ी मीटिंग से दूर रखा गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आखिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला लेने वाले हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाविकास अघाड़ी की मैराथन मीटिंग्स चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार 5 दिन से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, मगर बात बन नहीं रही क्योंकि उद्धव ठाकरे जिद पकड़ के बैठे हैं कि उन्हें मुंबई की 36 में से 22 से 25 सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 18, 12, 5 और 1 का रेशो रखते हैं ताकि सबके लिए सही हो। यानी 18 उद्धव को, 12 कांग्रेस को, 5 शरद पवार को और 1 समाजवादी पार्टी को, मगर उद्धव अकेले 25 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। अब लगातार 5वीं मीटिंग में भी उद्धव का अड़ियल रवैया जारी रहा तो कांग्रेस नेता भी बुरी तरह उखड़ गए और कांग्रेस नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव 25 से नीचे नहीं उतरे तो हम भी विदर्भ की 62 सीटों में से उद्धव को 1 भी नहीं लेने देंगे। अब ये सुनकर उद्धव के होश फाकता हो गए, क्योंकि विदर्भ में 62 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर उद्धव को मुंबई की ज्यादा सीट चाहिए तो फिर विदर्भ में आने के बारे में उद्धव पूरी तरह भूल जाएं। मीडिया के सामने भी कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे से मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त है। हम अपनी मौजूदा सीटों और अपने गढ़ों को बरकरार रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी और एसपी ने मुंबई पर शिवसेना यूबीटी के दावों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस भी विदर्भ क्षेत्र में बड़ा हिस्सा अपने पास रखेगी जहां पर 62 विधानसभा सीटें हैं। वहीं एनसीपी और सपा पश्चिमी महाराष्ट्र में मजबूत है और वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश कर रही है। यानी कि साफ है कि अगर उद्धव
उद्धव मुंबई की जिद नहीं छोड़ेंगे तो विदर्भ और वेस्ट महाराष्ट्र से हाथ धोना पड़ेगा। अब कांग्रेस के इस बयान के बाद तो उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई और उद्धव पानी से भी पतले हो गए और मुंबई की सीटों में सही विभाजन की बातों को मान गए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की फटकार के बाद उद्धव लाइन पर आ गए। इसके बाद एमवीए नेताओं ने मुंबई की 36 सीटों के लिए सीट बंटवारे की बात को लगभग फाइनल कर दिया है, जिसमें यूबीटी को बड़ा हिस्सा मिल रहा है, मगर उद्धव की जिद भी टूटती हुई साफ दिख रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस के प्लान के हिसाब से अब उद्धव को 18 सीटें मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में 12, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है और यही बात कांग्रेस शुरू से कह रही थी। वहीं कांग्रेस भी मलाड, वर्सोवा, मुंबा देवी, धारावी और बांद्रा पश्चिम सीटों के लिए ताल ठोक चुकी है। कांग्रेस इन सीटों के अलावा कोलाबा या मालाबार हिल की 2 सीटों में से 1 सीट चाहती है। इसके लिए उसकी यूबीटी से बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी सायन, कोलीवाड़ा या वडाला की 2 सीटों में से भी 1 सीट चाहती है। अब देखना होगा कि इस सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला क्या होता है, मगर उद्धव ठाकरे की जिद को कांग्रेस ने जिस अंदाज में तोड़ा उस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो शरद पवार उद्धव गुट के साथ खड़े हैं, मगर दूसरी तरफ शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार को वापस अपने साथ लाना चाहते हैं और यही मुद्दा एमवीए की मीटिंग में विवाद की वजह बन गया। खबर है कि एमवीए की लगातार तीसरी मीटिंग कोल्हापुर में आयोजित की गई। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेता पहुंचे, मगर मीटिंग शुरू होने से पहले ही विवाद हो गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीटिंग से पहले एनसीपी नेता ने दावा किया कि शरद पवार दिल से चाहते हैं कि उनके भतीजे अजित पवार की वापसी हो जाए। एनसीपी नेता का दावा है कि अजित पवार ने शरद पवार को मना लिया है और दोनों के बीच साथ आने को लेकर पूरी तरह रजामंदी हो गई है। अजित पवार तो पिछले 3-4 महीनों से इसी कोशिश में थे और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तो अजित पवार लगातार चाचा शरद पवार को मनाने की कोशिश में लगे थे, मगर शरद पवार ने पहले भाव नहीं दिया था। लेकिन अब शरद पवार की तरफ से अजित पवार को हरी झंडी मिल गई है और चाचा शरद पवार अब भतीजे अजित दादा को फिर से साथ लाने को तैयार है। अब यही मुद्दा कोल्हापुर की मीटिंग में उठा तो कांग्रेस कुछ आपत्ति जताती उससे पहले ही उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए। अपनी उम्र से दोगुने शरद पवार के लिए उद्धव ठाकरे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक कर दिया और साफ साफ कह दिया कि एमवीए में रहना है तो भगोड़ों को बाहर ही रहने दो। अब उद्धव की अभद्र भाषा को सुनकर शरद पवार भी गुस्से में आ गए और पवार मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है कि शरद पवार एमवीए की कोल्हापुर में आयोजित मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, किस शब्द का इस्तेमाल किया, किस अभद्र भाषा से शरद पवार नाराज हुए, ये सामने नहीं आया। लेकिन इतना कंफर्म कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की मनमानी और मनमर्जी और बदजुबानी के चलते शरद पवार ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। अब मीटिंग के बाद में एनसीपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हालांकि उसमें इस नाराजगी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, ये संकेत साफ साफ दे दिया कि शरद पवार अब अजित पवार को अपने साथ लाना चाहते हैं और एमवीए का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह इसके विरोध में हैं, लेकिन खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है। वो शरद पवार को इस नाजुक वक्त में नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं और अगर शरद पवार से नाराजगी मोल ली तो फिर क्या हश्र होगा, ये उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अजित पवार भी इसके भुक्तभोगी है और उद्धव ठाकरे वही गलती रिपीट नहीं करना चाहते। यानी कि यहाँ पर ये कन्फर्म है कि उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ेगा, क्योंकि शरद पवार झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने भतीजे को साथ लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आपका क्या कहना है एमवीए की इस पूरी मीटिंग में, क्या शरद पवार ठीक कर रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे ठीक कर रहे हैं? लेकिन जो भी हो रहा है, उद्धव ठाकरे की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।